दोस्तों आज किसी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग किया था JBL से आने वाला म्यूजिक सिस्टम, उसको आज मॉडिफाई करेंगे और उसका बनाएंगे होम थिएटर। तो इसको बनाने के लिए कुछ इस सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग पेस्ट, एक स्पीकर और जो है छोटा मोटा सामान है। तो सबसे पहले जो है इसको आपको खोल देना है, क्योंकि उसके ऊपर जो दो स्क्रू लगे होते हैं उसको भी आपको हटा देने का है। मैंने पहले हटा दिए थे, नीचे के 4 स्क्रू थे वो भी हटा देते हैं। इसको फिर खींच के इसको निकालते हैं बाहर। इसके ऊपर 6 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको भी बाहर आपको निकाल देने का है। मैंने पहले से निकाल के रखा है। इसके अंदर निकलता है एक तो बैटरी, एक स्पीकर और एक जो है इसकी प्लेट, जिससे सिस्टम पूरा कनेक्ट किया हुआ है। तो सबको इसको खोल देने का है। इसके ऊपर में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोलना है सिंपली। खोलने के बाद जो है ये प्लेट बाहर आ जाएगी। अब आप मुझे सवाल करोगे कि मैं ये अनबॉक्सिंग चैनल पे ये कौन सा वीडियो डाल दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल पे है 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारा वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं है। उसको पूरा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार रहा तो इस वीडियो से वॉच टाइम मेरा आधे से ज्यादा कम्प्लीट हो जाएगा, और फिर कभी दूसरा वीडियो मैं अपलोड करके आधे से ज्यादा वॉच टाइम उसमें कम्प्लीट कर दूंगा। से सभी वायर को रिमूव करने के बाद सभी पार्ट्स को अलग अलग करना है। करने के बाद बॉक्स जो है इसको इस तरह से काट लेना है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको प्लेट लगानी है और अंदर की तरफ आपको स्पीकर लगाना है। पहले इस म्यूजिक सिस्टम प्लेट को उसकी पट्टी जहां से आपने खोला था वहीं पे वापस इसको फिट कर देना है, क्योंकि इसको अंदर फिट करने के बाद ये सही तरीके से फिटिंग होगा। तो इस बॉक्स के ऊपर का जो फुट्टा है इसके ऊपर आपको 2 स्क्रू लेने हैं, स्क्रू सिंपली लेके और जो इसके अंदर कस देने का स्क्रू को, और स्क्रू कसने के बाद ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा, जिसके बाद आप बटन जब दबाएंगे तो ये जो है मतलब पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से स्क्रू को फिट कर देता हूं दोनों स्क्रू को, और ये लगभग 2 सेकंड का काम है, आप जल्दी से जल्दी कर देना, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको लगाना है स्पीकर। तो स्पीकर मैंने नीचे से पहले छेद करके रखे ताकि थोड़ा थोड़ा बास अंदर से बाहर आए, ठीक है। उसके बाद इसको फिट करने के लिए 2 स्क्रू लिए, जिसको स्क्रू को आपको लगा के इसको अच्छी तरह से कस के फिट कर देना है, ताकि ये इसके अंदर गिरेगा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्रू जो है आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से टाइट करना है, वरना क्या चालू करोगे तब जो है ये स्पीकर बास करेगा ना, तो नीचे गिर जाएगा स्पीकर, इसलिए इसको सही से आप टाइट करके रखना। इसके बाद ये छोटा स्पीकर है, इसको भी नीचे की तरफ आपको फिट करना है। मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसी प्रकार नीचे की तरफ इसको फिट कर देते हैं। तो मेरे पास अभी स्क्रू तो इसमें लगेंगे नहीं, तो मैं इसको फेविक्विक जो आती है 5 रुपए वाली, उससे इसको चिपका देता हूँ। तो चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार आपको लगेगा। तो चलिए दोस्तों बारी आती है इस बैटरी की, तो इसको भी फेविक्विक से चिपका देते हैं। आप ये वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आप 300 रुपए का ये जो माइक्स म्यूजिक सिस्टम है इसको आप कैसे मॉडिफाई करके एक होम थिएटर बना सकते हैं। काफी बढ़िया इसकी आवाज आती है। इसके अंदर भी लाइट भी लगेंगे, क्योंकि लाइट होनी बहुत जरूरी है। तो 2 वायर लेना है आपको, सिंपली इसका ऊपर का स्विच को हटा देना। हटाने के बाद जो है इसको सोल्डरिंग कर देना दोनों वायर को। तो मैं सोल्डरिंग कर दिया है। करने के बाद जो है इसको एक बटन लगाएंगे, क्योंकि बटन लगाने के बाद इसको बटन को चालू करके वापस बंद करेंगे तो लाइट चलती रहेगी। इसके बाद मैंने इसका जो फुट्टा होता है इसके ऊपर एक कलेक्टर लगा दिया है, जहाँ पे स्विच लगाएंगे, स्विच को चिपका देते हैं, और लाइट को भी अंदर को तरफ फेविक्विक से चिपका दिया मैंने। इसको चिपकाने के बाद जो है इसका सिंपली कनेक्शन कर देना। तो पहले की तरह जो कनेक्शन थे उसी प्रकार प्लस माइनस बैटरी का जो है इसके अंदर लगा देना है। फिर जो है छोटा वाला स्पीकर आता है उसको भी वापस फिट कर देना है इसके अंदर। इसके अंदर फिट करने के बाद फिर होम थिएटर का निकाला हुआ स्पीकर जो आता है उसको भी इसके अंदर फिट कर देना है। इसको पूरा फिट करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा वायरिंग पूरा। आप देख लो इस प्रकार की आपको वायरिंग कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऊपर ढक्कन लगाएं, क्योंकि आपको स्विच भी लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर आप स्विच इसको चालू कैसे करोगे। तो इसको भी फेविक्विक से मैं चिपका देता हूं। इसको ऊपर अंधेरे में चालू करते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार की रोशनी अंदर से निकलती है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने छोटे छोटे छिद्र किए जहां से म्यूजिक की आवाज आ सकती है, नीचे की तरफ एक छेद रखा है जहां से बास की आवाज आ सकती है। फिर चलिए इसको पहले चार्ज कर देते हैं, बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो चार्ज हो जाएगी, फिर चालू करते हैं। ये हमने जो होममेड होम थिएटर बनाया है इसको चार्जिंग से रिमूव कर देते हैं, ताकि ये मतलब जो चार्ज हो गया है, होने के बाद जो है ब्लूटूथ को आपको चालू कर देना है। और ब्लूटूथ चालू होने के बाद अगर देखो इसके ऊपर पहले क्लिक करके रखना पड़ेगा आपको, क्लिक करके रखने के बाद इसको स्विच को ऑन करना है, तो ऑन करने के बाद ये चालू हो जाएगा। चालू होते ही अपने मोबाइल के अंदर जो है आपको एक TG के नाम से शो करेगा, उसको आपको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इसको चलिए म्यूजिक को चालू करते हैं और चेक करते हैं कैसी आवाज है।